किस्मत कब और कैसे बदल जाए कोई नहीं जानता। हाल ही में संपन्न हुए पंचायत चुनावों में भाजपा प्रत्याशी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे पाल वर्मा को शायद इस बात का इल्म भी नहीं होगा कि संगठन के खिलाफ खड़े होकर चुनाव लड़ने के बदले में उन्हें अध्यक्ष पद का तोहफा मिल जाएगा। सीएम के गृह जिला मंडी में भाजपा समर्थित 27 प्रत्याशी चुनकर आए हैं। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चयन को लेकर खुद सीएम जयराम ठाकुर मंडी पहुंचे और 2 दिनों तक लंबे मंथन के बाद पाल वर्मा का नाम तय किया गया। पाल वर्मा पूर्व में भाजयुमो के जिला अध्यक्ष और प्रदेश के प्रवक्ता रह चुके हैं। वर्तमान में उनके पास कोई दायित्व नहीं है। पंचायत चुनावों में भाजपा ने भड़ियाल बाट से अनिल सैनी को अपना प्रत्याशी बनाया था, लेकिन पाल वर्मा पार्टी प्रत्याशी के खिलाफ मैदान में कूद गए और जीत हासिल की। जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चयन की बारी आई तो बिहारी लाल शर्मा का नाम चर्चाओं में रहा, लेकिन अंत में सीएम जयराम ठाकुर ने पाल वर्मा का नाम लेकर सारी चर्चाओं पर पूर्ण विराम लगा दिया। जिला परिषद के नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाने के बाद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव भी संपन्न हो गया, जिसमें पाल वर्मा को अध्यक्ष और मुकेश चंदेल को उपाध्यक्ष चुना गया। जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर अन्य विधायकों के साथ नवनिर्वाचित अध्यक्ष को बधाई देने खुद सभागार में पहुंचे। उन्होंने सभी मतदाताओं का भाजपा समर्थित प्रत्याशियों के चयन के लिए आभार जताया और सभी नवनिर्वाचित सदस्यों को सरकार की तरफ से हर संभव सहयोग का भरोसा दिलाया। वहीं नवनियुक्त जिला परिषद अध्यक्ष पाल वर्मा ने अपनी ताजपोशी के लिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर और पार्टी हाईकमान का आभार जताया। पाल वर्मा ने कहा कि सरकार की नीतियों को जन जन तक पहुंचाया जाएगा और जिला परिषद के माध्यम से विकास के कार्यों को और गति प्रदान की जाएगी। आपको बता दें कि 36 सदस्यों वाली जिला परिषद मंडी में भाजपा समर्थित प्रत्याशियों की संख्या 27 के करीब है, जबकि बाकी कांग्रेस और कामरेड हैं। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया में कांग्रेस और कामरेडों ने भाग नहीं लिया। हम अपने शीर्ष नेतृत्व का आदरणीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी, हमारे मंत्री श्री महेंद्र सिंह ठाकुर जी, सुंदरनगर के लोकप्रिय विधायक प्रदेश के महामंत्री श्री राकेश जम्वाल जी, तो समस्त मंडी जिला के पूरे नेतृत्व का तहे दिल से शुक्र गुजार हूँ। उन्होंने मुझे एक मौका दिया है जिला परिषद अध्यक्ष के रूप में काम करने का, और मैं अपनी तरफ से आप सबको मीडिया के माध्यम से आश्वस्त करवाना चाहूँगा कि मुझे जो दायित्व दिया गया है, उस दायित्व को बिल्कुल भी नहीं उठाऊँगा। जिला परिषद के माध्यम से जितने भी विकासात्मक कार्य हैं उनको, उनकी गति तेज हो, इसके लिए मेरा प्रमुखता से प्रयास रहेगा। बाकी मैं अपनी तरफ से और जिला परिषद की पूरी टीम की तरफ से आप सबका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। धन्यवाद। चुनाव हुआ जिला परिषद